पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम। मूल्य निष्ठता को बढ़ावा देने वाले विशिष्ट अतिथियों को मिला शिक्षा भूषण अवार्ड। संस्थान के शिक्षा प्रभाग की पहल। ज्ञान सरोवर में जुटे देश भर के प्रशासक। कार्य क्षेत्र में सौहार्द और सफलता पर चर्चा। आत्मीय भाव को कार्य व्यवहार में शामिल करने पर जोर। हैदराबाद के शांति सरोवर में युवा बहनों के लिए रिट्रीट का आयोजन। युवाओं में मूल्यों को बढ़ावा देने की पहल। केरला के कोठिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन। यातायात मंत्री थिरुवंचू राधाकृष्णन समेत गणमान्य लोगों ने की शिरकत। अहमदाबाद के ओढ़व और वस्त्राल सेवा केंद्र की मनाई गई सालगिरह। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरेली स्थित धारी में संगीत संध्या का आयोजन। महाराष्ट्र के अकोला में भी आध्यात्मिक प्रस्तुतियों से झूमे लोग। और यूके स्थित मैनचेस्टर स्कूल ऑफ बिजनेस में सकारात्मक जीवन पर सेमिनार का आयोजन। जुड़ी रोजर्स ने बताए तनाव मुक्त जीवन के तरीके। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा शांतिवन में आयोजित शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिक्षा प्रभाग ने पहल करते हुए मूल्य निष्ठता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा भूषण अवार्ड से 3 शिक्षाविदों को सम्मानित किया। ये अवार्ड संस्था के शांतिवन में चल रहे शिक्षाविदों के सम्मेलन के समापन सत्र में दिया गया। वैसे तो आज शिक्षा कई प्रकार की हो गई है, परंतु मूल्यों की कमी आज भी शिक्षा को अधूरी रख रही है। ऐसे में मूल्यों को शिक्षा में शामिल करना महत्वपूर्ण हो गया है। शांतिवन में शिक्षाविदों का सम्मेलन एक नई पहल का गवाह बना, जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग के साथ मिलकर कई शिक्षण संस्थान स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री दे रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों ने भी इसे लागू किया है। इसका मकसद युवाओं में संस्कारों और मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसी के तहत सम्मेलन सभागार में आयोजित समारोह में यह अवार्ड दिया गया। एक गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता है तो हमारा शिक्षा, हमारा विद्या, हमारा धन, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, सार्थक नहीं होता है। इसके लिए ईश्वरीय शिक्षा, वाई द नीड ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नीडेड टू कॉन्कर द एंगर। ये अवार्ड विशेषतः गुजरात स्थित गणपत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अनिल पटेल, कर्नाटक स्थित गुलबर्गा विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ई टी पुटैया और आरवीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कोयम्बटूर के अध्यक्ष थीरू डॉक्टर केवी कुप्पुस्वामी को प्रदान किया गया। समारोह में उपस्थित संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस, बीके डॉक्टर पांड्यामणि, बीके कोकिला समेत अन्य अतिथियों ने शिरकत कर मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता के महत्व पर चर्चा की। अतिथियों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए संस्था के द्वारा दी जा रही शिक्षा की सराहना की। साथ ही वरिष्ठ बी के भाई बहनों ने वर्तमान समय में ईश्वरीय शिक्षा एवं आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। मूल्य आधारित शिक्षा के लिए हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ भी हमारा सहयोग निर्धारित किया है। जैसे कि हमारे बच्चों को सिर्फ भौतिक ज्ञान भी ही नहीं मगर आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की जरूरत है आज। वी हैव बीन एडवांस्ड इन मेनी एरियाज, टेक फॉर एग्जांपल इन द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट वी आर फॉरगेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, वी आर फॉरगेटिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसफुल लाइफ ऑन द अर्थ। सो देयरफॉर आई कंग्रेचुलेट एट द आउटसेट the Brahma Kumaris activities who are inculcating spiritual values।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में प्रशासकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल से नेतृत्व विषय पर भारत के कई शहर एवं नेपाल से आए प्रशासकों के सम्मेलन का यूपी के सामाजिक न्याय के पूर्व आयुक्त राकेश के मित्तल, कटक से आए एक्साइज कमिश्नर अशोक कुमार तारेनिया, दिल्ली से आए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राकेश मेहता, नेपाल के सामान्य प्रशासन मंत्रालय के संयुक्त सचिव सूर्य प्रसाद शर्मा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिज मोहन, प्रशासक वर्ग की अध्यक्षा बीके आशा, कार्यकारी सदस्य बीके प्रेम, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। परिवर्तन की है। किसी भी देश के सामाजिक अर्थव्यवस्था और ढांचा वहाँ की नौकरशाही पर आधारित होती है। नौकरशाही अर्थात अफसरशाही। जहाँ अफसरों में मूल्य निष्ठा हो, निस्संदेह वहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी बेहतर होती है। भारत की भी सामाजिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित प्रशासकों के सम्मेलन में जिस तरह से देश भर से आए प्रशासकों का जमावड़ा लगा, इससे साबित हो गया कि प्रशासक भी मूल्यों के जरिए इसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में प्रशासकों ने बड़ी शिद्दत के साथ इस पर मंथन किया कि कार्य व्यवहार में आने वाले प्रशासकों को मूल्यों के जरिए ही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाए, जिससे समाज में और लोगों को प्रशासन और लोगों के बीच जोड़ा जाए। यही सम्मेलन का मकसद था और उद्देश्य भी। सर्विस विथ स्माइल, दिस मीन्स वी आर इन द पॉजिटिव डिरेक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू ट्रेन आवर ऑफिसर्स एंड लीडर्स टू इनेबल देम through developing their physical, mental, spiritual and professional capacity by providing them this kind of training. Institution must be perfect, there is no doubt about that. Policies must be very transparent and clear, there is no doubt about that. But the implementation of this should be done based on an assessment of the abilities and capabilities of people who are going to implement those decisions. तो उसमें परिवर्तन जो है वो मुझे अपने में करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरे में परिवर्तन देखने की ज़रूरत है। जो भी कार्य करना है हमें अच्छे से अच्छे करना है, लेकिन कैसे उसको अच्छे से अच्छे मैनेज कर सके, टेंशन फ्री होकर के कर सकते। जैसे ये टॉपिक रखा गया ना कि भाई लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि आप सभी नेता हैं, नेता माना प्रशासन करना, लेकिन अगर दिल से एक परिवार की भावना से जब हम कार्य करते हैं, हमारे साथी को सहयोगी को भी अगर हम एक दिल से जोड़ते हैं तो वो लोग भी हमें सहयोग अच्छा देते हैं। प्रशासकों को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जब हमारे आत्मा में शासन करने की कला का विकास हो जाएगा, उसी दिन सभी प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आ जाएगी। इसलिए राजयोग का ध्यान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हार्ट कहां पर के जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो होते हैं जिनमें के हेड एंड हार्ट का बैलेंस होता है। तो हम समझते हैं कि ये जो लीडिंग फ्रॉम द हार्ट है, लीडिंग फ्रॉम द हार्ट हो, लेकिन साथ साथ उसके हेड भी उसका को पार्टनर बन के चलेगा तो शायद अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रशासन का आधार अनुशासन है। अणु हम कहते हैं आत्मा को। जब तक ये शासित नहीं है तब तक प्रशासन में भी मुझे सामना करना ही पड़ेगा। इस अवसर पर कई सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें ध्यान सत्र भी शामिल रहा। इसलिए मैं आत्मा बहुत आनंदित हो रही हूँ। साथ ही सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। जनों का स्वागत बारंबार है।
हैदराबाद के शांति सरोवर में संस्था से जुड़े युवा बहनों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया, अहमदाबाद अंबावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बी के शारदा, शांति सरोवर प्रभारी बी के कुलदीप समेत कई वरिष्ठ बहनों ने दीप जलाकर एवं केक काटकर रिट्रीट का उद्घाटन किया। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शक्ति से युवा बहनों को चरित्रवान बनाने और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजित इस रिट्रीट में कई सत्रों में वरिष्ठ बी के भाई बहनों ने कन्याओं को प्रशिक्षण दिया। हम भी बाबा के आज्ञाकारी सपूत ईमानदार बच्चे बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करें, क्योंकि बाबा ने माताओं और कन्याओं के सिर पर कलश रखा है। कौन सा? सारे विश्व को परिवर्तन करना, भारत को स्वर्ग बनाना है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। आज विशेष इस शांति सरोवर में आई हो, ना सिर्फ आई हो लेकिन ये शांति सरोवर आपको एक जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन की एक दिशा बदलने का एक सुंदर स्थान है। ये कार्यक्रम 5 दिन तक चला, कई समूहों में विभाजित कर सहभागियों को भिन्न भिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया। रिट्रीट के सहभागी कन्याओं ने ईश्वरीय मार्ग पर चलकर अपने जीवन को मानवीय कल्याण के कार्य में सफल करने का संकल्प भी लिया। केरला के कोठियाम में संस्था के विश्व शांति भवन उद्घाटन अवसर पर विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के यातायात मंत्री थिरुवंचूर राधाकृष्णन, शांतगिरी आश्रम के सेक्रेटरी स्वामी गुरु रत्नम ज्ञान तपस्वी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगम के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शंकर राम, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चक्रधारी, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना, कोठियाम सेवा केंद्र प्रभारी बी के पंकज समेत कई लोगों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में आए अतिथियों ने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व पर चर्चा की। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के चक्रधारी ने ईश्वर के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को अपनाकर जीवन में शांति की अनुभूति करने पर जोर दिया। लेकिन आज का मनुष्य इतना बिजी हो चुका है कि वे उस पर्पस को जानने का टाइम ही नहीं दे पाता है। कि जब मनुष्य को किसी चीज का सत्य ज्ञान मिलता है तो उसको शांति आती है, और जब तक मनुष्य को सत्य ज्ञान नहीं मिलता वे कभी शांति का जीवन जी नहीं सकता। മനുഷ്യനായി മാറുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ, നമ്മളുടെ സമൂഹത്തെ നല്ല പാതയിൽ കൊണ്ടുപോകത്ത വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ആശംസിക്കുകയാണ്। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई। ऐसे ही शहर के गणमान्य लोगों के लिए शांति और खुशी की चाबी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नगरपालिका चेयरमैन संतोष कुमार, एसएनडीपी तालुक यूनियन प्रेसिडेंट थनकाप्पन, चार्टर अकाउंटेंट पद्मनाभन नायर, चीफ सर्कुलेशन मैनेजर राजा गोपाल नायर, विनवर्ल्ड फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन जयाशूर्या, काउंसिलर बी के गोपा कुमार, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के चक्रधारी, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना, कोठियाम सेवा केंद्र प्रभारी बी के पंकज ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बी के चक्रधारी ने कहा कि सकारात्मक विचार और आचरण ही सच्ची शांति और खुशी
दे सकता है। गुजरात अहमदाबाद के ओडव और वस्त्राल सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव राजेंद्र पार्क में समारोह का आयोजन कर मनाया गया। अखिल गुजरात युवा मालधारी विकास मंच के प्रमुख अशोक देसाई, म्युनिसिपल कोऑपरेशन स्टैंडिंग कमेटी की चंद्रावती चौहान, जोन प्रभारी बीके सरला, ओडव सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला, वस्त्राल सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, बीके अमर, बीके डॉक्टर मुकेश, बीके उषा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आए अतिथियों समेत वरिष्ठ बहनों ने ओडव और वस्त्राल सेवा केंद्र को सालगिरह पर शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। बीके सरला समेत बहनों ने आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने की अपील की। साथ ही जोन प्रभारी बीके सरला का अलौकिक अमृत महोत्सव पर उनको सम्मान भी किया गया। जन्म से जैसे कोई सुखी रहता है, खुश होता है, उनकी खुशियों को देख के सबको खुशी होती है, तो आज आप सभी के लिए धूमधाम से मना रहे हैं, जो आप सभी को भी इतनी प्रेरणा दी और मैंने देखा बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया। समारोह से पूर्व संस्था से जुड़े भाई बहनों ने शोभा यात्रा भी निकाली। बैंड बाजे के साथ आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में बीके भाई बहने उपस्थित थे। शोभा यात्रा के दौरान जोन प्रभारी बीके सरला को सम्मान स्वरूप रथारोहण सहित नगर परिक्रमा कराया गया। गुजरात में ईश्वरीय सेवा शुभारंभ के 50 वर्ष पूर्ण होने पर वडोदरा स्थित डेयरी सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ONGC वडोदरा के बेसिन मैनेजर GC कटियार, लायंस क्लब वडोदरा के डायरेक्टर देवेंद्र नथनी, साध्वी गीता, ONGC के जनरल मैनेजर PV खुबलकर, अरुणा खुबलकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत उपस्थित सभी सदस्यों ने कार्यक्रम में दीप जलाया और विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर आए अतिथियों ने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। अतिथियों ने गुजरात में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों को सराहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने संस्था और सेवा केंद्र के गतिविधियों की जानकारी दी और परमात्मा ज्ञान से जीवन सफल करने पर जोर दिया। गुजरात अमरेली स्थित धारी सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया। एक शाम प्रभु के नाम समारोह का उद्घाटन योगी जी महाराज महिला कॉलेज के प्रिंसिपल राजू दवे, SBI शाखा के प्रबंधक मुकेश पंडित, मुंबई से आए राजयोग प्रशिक्षक प्रोफेसर बीके गिरीश, भावनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, धारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, रायपुर से आए गायक बीके युग रतन समेत कई बहनों ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन समारोह में बीके गिरीश समेत बहनों ने खुशहाल जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान ही खुशहाल जीवन का आधार है। सॉरी फ्रेंड्स, नोबडी एल्स कैन डिक्टेट टर्म्स टू मी। किसी और के हाथ में मेरी खुशी नहीं है, वो मेरा क्रिएशन है, मैं उत्पादन करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, वो है खुशी। खुशी ढूंढना नहीं है। सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक आनंद का लाभ लिया। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से लोगों का न सिर्फ मनोरंजन कराया बल्कि परमात्मा से संबंध जोड़कर तनाव मुक्त खुशहाल जीवन बनाने पर प्रेरित भी किया। जीत हो, 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 हो।
भक्ति, देशभक्ति और सद्भावना के गीतों में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक संध्या को खास बना दिया। वसुधा पहने माला होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा से हर बाला होगी। महाराष्ट्र के अकोला में भी आध्यात्मिक संगीत संध्या तथा राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। शहर के कई गणमान्य लोगों ने अतिथि के रूप में उद्घाटन अवसर पर शिरकत कर मानवीय सेवा में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना की। साथ ही अकोला सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी ने ईश्वरीय ज्ञान को अपनाकर जीवन में सच्ची शांति एवं खुशी प्राप्त करने की अपील की। इस अवसर पर गायक बीके अविनाश समेत कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। आध्यात्मिक गीत संगीत के साथ काफी देर तक लोग झूमते रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र में 7 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। बीके भाई बहनों ने कई सत्रों के माध्यम से अच्छे आचरण अपनाने पर बच्चों को प्रेरित किया। तमिलनाडु के ईरोड सेवा केंद्र में बच्चों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। सीके हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर सीके सरस्वती, ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष शिवानेशन, योगा टीचर आदि भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोथामी, बीके राजेश्वरी, बीके शिव कुमार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाल विकास शिविर में भाग लेने आए बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराने के लिए कई गतिविधियों में शामिल कराया गया। साथ ही बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान की भी जानकारी दी गई। 3 दिवसीय शिविर के समापन पर कई गणमान्य लोगों ने शामिल होकर शिविर के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया। गुजरात के राजकोट स्थित अवधपुरी सेवा केंद्र में भी बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मूल्यनिष्ठ बाल उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। बीके अंजू, बीके किंजल ने बच्चों को नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों को अपनाने पर प्रेरित किया। साथ ही व्यसनों से दूर रहने के लिए भी मार्गदर्शन किया। भोजलराम सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा कराई गई। बीके बहनों ने व्यसनों से होने वाले नुकसानों पर अवगत कराते हुए बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने पर प्रेरित किया। ऐसे ही कस्तूरबा धाम स्थित हैप्पी विलेज में भी बच्चों के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके बहनों ने बच्चों के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया, साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कस्तूरबा धाम महिका अनियारा गांव के बच्चों ने शिविर में भाग लिया। यूपी के नए मुरादाबाद सेवा केंद्र में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया, ग्राम विकास अधिकारी मुनेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर बीके श्याम बिहारी, बीके आशा समेत शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत कर आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े भाई बहने उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सेवा केंद्र में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के पूर्व बागवानी मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज और बीके रुपेश एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने बीके भाई बहनों को आंतरिक शक्ति बढ़ाने के कई टिप्स दिए। यूके स्थित मैनचेस्टर स्कूल ऑफ बिजनेस में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से सकारात्मक जीवन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क से आई केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी वेदरहेड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सेंटर फॉर बिजनेस एज एजेंट फॉर वर्ल्ड बेनिफिट की कार्यकारी निदेशक जूडी रॉजर्स ने
तनाव मुक्त जीवन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा, आर्थिक संकट के समय में आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मन की स्थिति को ठीक रखा जा सकता है। कार्यक्रम में बिजनेस स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। कार्यक्रम के पश्चात अपने अनुभवों को साझा करते हुए सहभागी विद्यार्थियों ने तनाव मुक्त जीवन के टिप्स को उपयोगी बताया। Even the each of these crises has an internal dimension that manifests on the outside. So what we want to understand is we want to understand the innermost piece of it and work it from the inside. Our job is to get spiritually strong. That's our job. Otherwise, we can't help ourselves, and we certainly can't help anyone else. Solutions. Sometimes in business, you can be at a crossroads where you're not too sure what you want to do. You've got lots of different options, and actually making the decision itself is the hardest thing, and choosing the path. Lots of things we learn about this. We learn to give our love and attention to other people, but not observe the sorrows from them. Once we don't observe the sorrows for them. Once we have in our heart, we have love to give, then it's good for the other people. That's what I learned. That's the main thing I learned today. यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारे आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।